इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर, सचिव डॉक्टर शानु राजकुमार यादव। अब की बार एक ही सपना, बहरोड नंबर वन हो अपना, बहरोड की पहचान आपका भाई पलवान। काम किया है, काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब की बार मोहित यादव को बनाए विकास का जरिया, सोच ईमानदार काम दमदार, तभी तो है बहरोड का भविष्य और जन जन का विश्वास। युवा भाजपा नेता मोहित यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। क्षेत्र के गांव माजरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव और कांग्रेस नेता संजय यादव पहुंचे। उन्होंने खेल सामग्री को बदले जाने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से पूरे मामले की जांच करने की बात कही। शर्म और बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। मैं माजरा स्कूल के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ संजय यादव भी बैठा हुआ है जो कांग्रेस का बड़ा नेता है, और यहाँ ACO भी कुर्सी पर बैठा हुआ है। जो अभी बैट बल्लों की डकैती का मामला चला था, नकली दे दिए 35-35 लाख रुपये चार्ज कर लिए, जिसके अंदर ये सारे शामिल है, ACO भी शामिल है, सब शामिल है। उस चोरी को ढकने के लिए जब बच्चों को ये बात पता लगी, नकली बैट बल्लों को बदल करके दूसरे रखे जा रहे हैं, तो माननीय ACO साहब भी आए और ये कहते हुए आए और कि मैं जांच करूंगा, रात ही ताला लगा दिया, बच्चों को कहते हैं जिससे ACO को मौका मिल जाए बदलने का, इसलिए तुरंत प्रभाव से इसकी ACO से जाँच कराई जाए। धन्यवाद। चलो आ जाओ। आए दिन हो रहे मौसम के बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। इस संदर्भ में क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर चारू गुप्ता ने मौसमी बीमारियों से बचाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव दिए, आप भी देखिए। मौसम परिवर्तन से अक्सर वायरस जनित बीमारियां बढ़ जाती हैं, और बाहर का खान पान करने से कई बार सड़े गले फल फ्रूट्स और ये खाने से दस्त वगैरह लगना, उल्टी दस्त बुखार, इनकी दिक्कत हो सकती है। तो इन सब से बचाव के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी एक तो इम्यूनिटी बढ़ाएं, और दूसरा बाहर की जो खुले में रखी हुई चीज़ें हैं जिन पर कोई मक्खी मच्छर वगैरह इस तरह भिनभिना रहे हों, ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, और जहां तक संभव हो सके बाहर की वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें और घर में बने हुए खाने का ही इस्तेमाल करें। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए तो जनरली व्यायाम और ये वॉकिंग सबसे बढ़िया रहता है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए वॉकिंग, और जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनके लिए अपना नियमित प्राणायाम और योगाभ्यास अगर कर सकें थोड़ा समय निकाल कर, तो उससे इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ने की उम्मीद रहती है। वो वायरल जनित बीमारी है जिसके कारण ये सब तकलीफ़ें हो रही हैं, थोड़ा उसमें ठीक होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, और इसका जल्दी से जल्दी इलाज लें तो जल्दी आराम होने का रहता है। लू जैसी गर्मी तेज पड़ रही है, लू से बचने के लिए तो अपने साथ अपना बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ पानी रखें और सिर पर और ये कपड़े रख के चलें, ताकि कवर करके चलें, ताकि लू का असर कम से कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो लू का असर नहीं होगा। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, STSC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड, अब आपको कोटा जाने की नहीं है जरूरत। कैरियर पॉइंट कोटा की कोचिंग अपनी टीम के साथ अब यूनिक बहरोड में। चेयरमैन सुमित यादव का दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से यूनिक संस्थान ने राज्य और जिला स्तरीय मेरिट देकर राठ का नाम किया रोशन। स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय, ओलम्पियाड, मिलिट्री की तैयारी, IIT और नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। बहरोड की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप में
चयनित 6 छात्राओं का सम्मान किया गया। संस्था प्रधान रामकला यादव ने बताया कि चयनित प्रत्येक छात्रा को 4 वर्षों तक 12,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। सम्मान समारोह के दौरान विद्यालय विकास कमेटी के लेखराम सैनी, महेंद्र कुमार शर्मा, सरोज यादव, सुनीता यादव सहित अनेक गणमान्य लोग व स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। अध्ययन करने के बाद आधी क्लास में जब प्रवेश लेते उस समय इनका एक छात्रवृत्ति का NNMS नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है। ये प्रत्येक जिले की अलग अलग सीटें आवंटित होती है। राज्य स्तर का ये परीक्षा होती है और राज्य स्तर से सर उदयपुर से इसकी परीक्षा परिणाम जारी होता है। उसके तहत हमारे विद्यालय की 6 बच्चियों का चयन हुआ है, जिसमें इनको कक्षा 9वीं से इनकी स्कॉलरशिप प्रारंभ होगी। 9, 10, 11, 12 4 वर्ष के लिए इनकी प्रत्येक ईयर की 12,000 रुपये की दर से 48,000 रुपये जब तक ये 12वीं पास कर चुकी होगी इन छात्राओं को ये छात्रवृत्ति से लाभान्वित होगी। तो स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ाई प्रतिभाशाली बच्चों का पढ़ाई के साथ में वो अर्न भी कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आज जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर गांव देहमी के पास इको कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत रही कि आसपास कोई अन्य वाहन नहीं था और साथ ही कार को क्रेन की सहायता से निर्माणाधीन होटल पर खड़ा करने से बड़ा हादसा होने से टल गया। बांसुर तहसील के साथलपुर निवासी संजय सिंह ने बताया कि वह अपनी पत्नी और चाचा के लड़के के साथ नेमराना जा रहा था। रास्ते में अचानक गाड़ी बंद हो गई और धक्का देकर दोबारा स्टार्ट करने पर अचानक गाड़ी ने आग पकड़ ली। हाईवे पर फ्लाई ओवर निर्माण में लगी क्रेन की सहायता से गाड़ी को एक निर्माणाधीन होटल पर खड़ा किया और पुलिस को सूचना दी गई। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान। Our teachers are those who introduce us to new ideas, concepts, discoveries and invention. IIT में NEET में चयन देने वाली number 1 science institute. The principal and the management of this school are the benign creators of the opportunity for personal growth. साथ ही अब कंगारू किड्स प्ले स्कूल भी हमारे द्वारा संचालित। शिक्षा के क्षेत्र में बहरोड में लगातार नंबर 1 GPS स्कूल भगवाड़ी। एडमिशन ओपन कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन नीट JEE की स्पेशल तैयारी, कोटा की स्पेशल फैकल्टी अब GPS में, साथ ही सैनिक व नवोदय स्कूल की विशेष तैयारी टॉप फैकल्टी द्वारा, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, हॉस्टल फैसिलिटी, GPS स्कूल भगवाड़ी। आज सांसद महंत बालकनाथ योगी ने अलवर स्थित श्री बाबा मस्तनाथ जन सेवनम भवनम पर जन सुनवाई करते हुए आमजन से भेंट वार्ता की। इस दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सांसद को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। सांसद महंत बालकनाथ योगी ने मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के लिए दिशा निर्देश दिए। बादल सा गरजे हम, सावन सा परसे हम, सूरत सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ट्रस्टी ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल बहरोड, कॉन्टेक्ट अस 9887518888। बांसुर के गांव हाजीपुर में बालाजी क्रिकेट क्लब के सौजन्य से चतुर्थ क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रोहिता शर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने फीता काटकर प्रतियोगिता का आगाज किया। आयोजकों ने पूर्व मंत्री का साफा और फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया। बाबा श्री नारायण दास अभिनव PG महिला महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड, सभी सुविधाओं से युक्त, हमारी बेटियों के लिए कड़ा अनुशासन और उच्च शिक्षा पर बल, पूरा कैंपस CCTV कैमरों की निगरानी में, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम BA BSc सभी विषयों में, MA भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी संस्कृत, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला महाविद्यालय। सचिव जय प्रकाश मीणा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तीसरे दिन भी मौसम के तल्ख मिजाज देखने को मिले। काली घटाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हवा के तेज झोंके चले। वहीं बहरोड शहर में बदले मौसम और 11 व 15 तारीख का व्यापारिक अवकाश होने की वजह से शहर में सन्नाटा छाया रहा।
राठ इंटरनेशनल स्कूल अद्भुत अतुलनीय प्रशंसनीय STSC परीक्षा परिणाम में 112 बच्चों की टॉप रैंक संपूर्ण राजस्थान के प्रथम 10 स्थान पर 21 बच्चे केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से। एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो राठ इंटरनेशनल स्कूल ही है, यह हम नहीं हमारे परिणाम बोलते हैं। इतने कम समय में इस विद्यालय ने जो ऊंचाइयों को छुआ है निश्चित तौर पे एक बहुत ही सराहनीय है। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें राठ 24। नमस्कार।